नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। दुर्गा पूजा पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, शहरी समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे दुर्गा पूजा पंडालों के निरीक्षण करने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। बगहा एएसपी अभियान देवेश मिश्रा के निर्देश पर एसडीपीओ रामनगर सत्यनारायण राम और थानाध्यक्ष सह निरीक्षक कपूर नाथ शर्मा के नेतृत्व में एसआई मिराज खान, खलील अहमद, नीतीश कुमार, एएसआई विनोद सिंह, रविशंकर कुमार, सुनील सिंह, संतोष जायसवाल, रामानु सिंह आदि पुलिस पदाधिकारी की आईटी पुलिस बल महिला पुलिस ने रामनगर प्रखंड के सोहसा, फुलवरिया, फुलकौल, मेघवल, मठिया, छौगरिया, फगुना, हटा, भावल, खटौरी आदि गांवों का भ्रमण करते हुए रामनगर शिव मंदिर, हरिनगर स्टेशन रोड, बेलागोला आदि पंडालों का जायजा लिया। एएसपी अभियान देवेश मिश्रा ने कहा कि पंचायत चुनाव और दुर्गा पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च कर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। लाइव टीवी समाचार के लिए बेतिया से पंचारण चंपारण की खबर। लाइव टीवी समाचार के लिए बेतिया से कृष्णकांत तिवारी की खबर। पूजा का शांतिपूर्ण समापन और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के किसी भी तरह की कोई गतिविधि न हो उसको लेकर के हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है रामनगर थाने के विभिन्न क्षेत्रों में। जहाँ कहीं भी पंडाल बने थे और जहाँ कहीं भी गतिविधि की पूर्व में सूचना रही है उन्होंने इलाकों का फ्लैग मार्च किया है। सर कहीं कोई गड़बड़ी थी क्या? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चढ़ी हुआ है। इस फ्लैग मार्च में हमारे साथ एसपी रामनगर, एसएचओ रामनगर, क्यूआरटी और एसटीएफ के जवान शामिल थे। और आने वाला पंचायत चुनाव है उसको भी शांतिपूर्वक संपन्न कराना फ्लैग मार्च का कहाँ कहाँ किया गया सर? फ्लैग मार्च बहुत से गांव में जिधर जिधर अभी खास करके शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मूर्ति जहाँ जहाँ रखा गया है देहाती क्षेत्र में भी वहाँ वहाँ भी फ्लैग मार्च किया गया है और शहरी क्षेत्र में अभी बहुत से जगह छुपे हुए हैं। क्या मिला सर आप लोगों के फ्लैग मार्च में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी पंडालों में? नहीं, अभी तो किसी तरह की गड़बड़ी नहीं दिख रही है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।